नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज और साथ ही एक्सक्लूसिव वो रिपोर्ट्स जो सीधे आपको मिलती हैं युद्ध के क्षेत्र से। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर ये आ रही है कि रूस के अंदर यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला हुआ है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस ने यूक्रेन के 30 ड्रोन को तबाह किया है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज है, रूस ने 7 हैमर बम को भी तबाह कर दिया है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी फोर्स का 4 ड्रोन हमला सफल रहा है। और पांचवी खबर है, विस्फोट के बाद रूस के पावर स्टेशंस में आग लग गई है। और इस वक्त साथ ही आपको ये बता दें कि पिछले 72 घंटे से रूस दहल रहा है। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके पुतिन को सीधा चैलेंज दिया है। अभी तक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार नहीं मिले हैं। सोचिए एक बार यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार मिल गए तो तबाही का दायरा कितना बढ़ जाएगा। ज़ेलेंस्की को उसी वक्त का इंतजार है। तब तक शॉर्ट रेंज मिसाइल और ड्रोन से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यूक्रेन के हमले हो रहे हैं और ये भी लगातार जानकारी मिल रही है कि दरअसल ये ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध है, क्योंकि कुर्स्क का बदला लेने के लिए पुतिन की सेना यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करके आगे बढ़ रही है। अब कुर्स्क के अलावा 10 और शहरों में यूक्रेन ने तबाही मचाकर बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। एक साथ 10 से ज्यादा शहरों पर हमले, 72 घंटे तक रूसी शहर दहलते रहे, अभी भी हमले रुके नहीं। ये प्रतिशोध की आग है, ये ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध है, ये पोक्रोवस्क का बदला है। इस बार ज़ेलेंस्की ने बदली हुई रणनीति से हमले किए हैं, जिसमें कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे रूस पर दबाव बढ़ रहा है। आखिर कैसे यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोका जाए। इसके अलावा यूक्रेन बेलगोरोद में भी कुर्स्क जैसी युद्ध नीति इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही एनर्जी सेक्टर पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन से हमले हो रहे हैं। लेकिन क्रेमलिन का दावा है कि हमले के लिए यूक्रेन F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रूस से विध्वंस और आगजनी के जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके पीछे ड्रोन अटैक नहीं हो सकता। इतना विध्वंस फाइटर जेट ही मचा सकते हैं। ये सिर्फ यूक्रेन का ट्रेलर है। सोचिए जब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिल जाएंगे तो तबाही का दायरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आधे से ज्यादा रूस में यूक्रेन तबाही मचा सकता है। इसी वजह से यूक्रेन बार बार लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड कर रहा है। हालांकि अब अमेरिका भी लॉन्ग रेंज हथियार देने का मन बना चुका है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने रूस में कम दूरी तक हमले की मंजूरी दे दी है। यानी अब यूक्रेन 200 से 300 किलोमीटर तक रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। अब कुर्स्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की प्लानिंग में है, इसलिए नेटो से डिमांड की जा रही है। अभी तक जहां तक यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा किया है, वहां तक हाईमार्स की रेंज है, जो करीब 77 किलोमीटर है। अब आगे अटैक एमएस की रेंज आती है, जिससे हमले करने पर रूस के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे।
सोचिए जब लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को मिल जाएंगी तो तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा। वो रूस के कब्जे वाले इलाकों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव पार्ट टू पहले के मुकाबले ज्यादा सफल होता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब टारगेटेड अटैक कर रहा है जिसमें स्टॉर्म शैडो के अलावा स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन असली तबाही तब शुरू होगी जब लंबी दूरी के हथियार कीव पहुंच जाएंगे। ऐसा हुआ तो पुतिन पलटवार करके यूक्रेन में एटमी विस्फोट करा सकते हैं। दरअसल रूस में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों ने हमले किए हैं। कुर्स्क में रूस की मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी गई है, जबकि बॉर्डर के पास पड़ने वाले बेलगोरोद में ऑयल डिपो नष्ट किया गया है। जेलेनोग्राद में हमला किया तो रेल डिपो में आग लग गई। वोरोनिश में यूक्रेन के हमले में हथियार डिपो खाक हो गया है। पुतिन का होम टाउन भी हमला उसका वहां पर किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में रेल पर प्रॉक्सी अटैक हुए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के पास लेनिनग्राद ट्रेन ट्रैक भिड़ंत हो गई है और क्रेमलिन को यूक्रेन के जासूसों पर इस हमले का शक है। क्रीमिया के सेवस्तोपोल नेवल बेस पर हमला करके दहलाया गया है। इसी तरह से बाल्टिक के पास रूसी बेस कैलिनिनग्राद पर सी ड्रोन से अटैक किया गया। अब यूक्रेन ने बदली हुई रणनीति से दो तरह से हमले करने शुरू किए हैं। एक तरफ उसके सैनिक रूस में घुसकर हमलों को अंजाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रॉक्सी हमले कराए जा रहे हैं। मॉस्को के जेलेनोग्राद में रेल डिपो में आग के पीछे भी यूक्रेन के प्रॉक्सी। आग इतनी भयंकर थी कि फायर टीम को कई घंटे आग बुझाने में लग गए। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इसी तरह सेंट पीटर्सबर्ग से भी एक वीडियो आया है जिसमें एक ट्रक को रेल उड़ा देती है, जिसके पीछे प्रॉक्सी अटैक बताया जा रहा है जिसे यूक्रेनी जासूसों ने अंजाम दिया। ये हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं जिसमें रेल पटरी से उतरी हुई है जबकि ट्रक पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। इसके अलावा यूक्रेन जमीन और आसमान दोनों जगह से हमले कर रहा है। वोरोनिश में ड्रोन से हमले के बाद आग लग गई। रूस ने यहां मिसाइल और ड्रोन रखे थे, सभी खाक हो गए। इसी तरह के हमले बेलगोरोद में भी किए जा रहे हैं, जबकि कुर्स्क में ज़ेलेंस्की की सेना ने करीब 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब बदला लेने के लिए पुतिन सेना सूमी में घुसपैठ की तैयारी कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेन ने 100 टाउन कब्जे में ले लिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले एक महीने में उसने कुर्स्क में रूस के 6000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं, जबकि रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के करीब 10000 से ज्यादा सैनिक मारे हैं। इसके अलावा हथियारों की अच्छी खासी खेप भी यूक्रेन ने तबाह कर दी है। लेकिन अब रूस बदला लेने के लिए बेचैन है। अब वो कुर्स्क में सैनिक भी भेज रहा है और हवाई हमले भी कर रहा है। दूसरी तरफ कीव की तरफ भी उसके सैनिक बढ़ रहे हैं। हालात खौफनाक होते जा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ सारिस्की ने लंबी दूरी के हथियार मांगे हैं जिससे रूस को रोका जा सके। उधर पुतिन ने धमकी दी है अगर कीव तक लॉन्ग रेंज हथियार पहुंचे तो पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में बदल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।